नमस्कार, आप देख रहे हैं वाद्केसरी टीवी। और जैसा कि आप सभी को पता, उत्तर प्रदेश सहित अन्य चार राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुका है। हर चौराहे पे देखा जा रहा है कि सुबह से ही पुलिस वाले पोस्टर बैनर उखाड़ के फेंक रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम आए हैं, हमारी एक टीम पंजाब भी गई है। और उत्तर प्रदेश का ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने गांव-गांव जाके लोकल एरियाज़ में देखा है कि किस तरह से क्या माहौल है, और कई फैक्टर हैं यूपी में जिसको अनदेखा करके हम नहीं चल सकते हैं। पहला फैक्टर ये है कि अखिलेश यादव की रैली में एक चला था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है आ रही है, ये प्रशासन था। तो उस भीड़ का हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह की भीड़ थी। जब हमने एनालाइज़ किया जाके लोग उस भीड़ में, खुद जाके एनालाइज़ किया कैसे कैसे, तो मोटा मोटी ये बात है कि जो भीड़ आ रही थी, सपोज अगर मान लीजिए कि आजमगढ़ में या जौनपुर में, जौनपुर में अखिलेश यादव की सभा होनी है, रथ यात्रा निकलनी है, तो जौनपुर में चार या पांच जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा से लगभग पाँच पाँच छः छः लोग टिकट मांगने वाले हैं, वो लोग ये भीड़ जुटा के ले जा रहे थे। और आसपास के ज़िलों से भी लोगों को भी सूचित किया था कि आप लोगों को भी जो कैंडिडेट हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं और टिकट मांग रहे हैं, दावेदार हैं टिकट के, वो टिकट मांगे, जनता की भीड़ उन्होंने इकट्ठा करनी है, ये प्रशासन है। तो ये भीड़ का कोई ये नहीं है कि ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है, ठीक है, मान लेते हैं अगर 10,000 की भीड़ है तो उसमें से 4,000-3,000 स्वतः आई हुई भीड़ हो सकती है। दूसरा, ये सबसे बड़े पॉइंट ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया अवॉइड कर रहा है एक तरह से, या हो सकता है जानबूझ के अवॉइड कर रहा हो, प्रियंका गांधी फैक्टर। प्रियंका गांधी जो नारा लेके यूपी में आई हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनकी रैलियों में भी देखे हैं कि हम लोग देखें अखिलेश यादव से कम भीड़ नहीं आ रही थी। अखिलेश यादव अभी इससे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी रैली में भीड़, और कांग्रेस जो है पिछले 32 या 33 साल से यूपी से सत्ता से बाहर है, तो ये रैली का कंपैरिजन करेंगे तो ये एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। कांग्रेस को अब पहले कोई जिक्र करने वाला नहीं था, ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता नहीं थे, बूथ लेवल पे कोई टीम नहीं थी, लेकिन अब बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन बदलाव हुआ है। अब कम से कम कांग्रेस इस स्थिति में है कि हर विधानसभा से देखा गया है कि लगभग 3 या 4 कैंडिडेट जो है टिकट मांगने वालों में शुमार हो गए हैं, टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी तो सत्ता में है ही, और सारे जो लोक लुभावन चीज़ें हैं देख रहे हैं, तेल कोटे पे जो है राशन के साथ फ्री तेल, रिफाइंड चना और जो भी ये सब मिल रहा है, किसानों के खाते में 2,000 रुपया भी आया है एक हफ्ता पहले। श्रमिक जो हैं, जिन्होंने श्रम विभाग में अपना बनवाया था, श्रमिक कार्ड बनवाया था, उनके खाते में 1,000 योगी सरकार ने डाला है। और हाँ, ये अलग है, अभी किसी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। जैसा अंदरखाने से खबर आ रही है कि लगभग 100 सीटिंग विधायक जो हैं वर्तमान में सत्ता दल के बीजेपी के, उनका टिकट कट सकता है। देखने वाली बात ये होगी, अगर उनका टिकट कटता है तो क्या वो बागी होते हैं, या उनमें से कितने लोग बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, वो डेंट करेंगे बीजेपी के ही कैंडिडेट को। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव का जो गठजोड़ है, गठबंधन है, राजभर चर्चा में हाईलाइट बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा राजभर का हम लोग को ज़मीनी स्तर पे नहीं देखने को मिला कि उतना इफेक्ट है ओम प्रकाश राजभर का। हाँ, 2017 के चुनाव में 6-7 सीट जो भी आई थी इनकी, वो 2017 में सब आप मान के चलिए कि वो बीजेपी की लहर थी, और उस लहर में चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, उनकी नैया भी पार हो गई, वो असर इस चुनाव में नहीं नज़र आ रहा है। ज़मीनी स्तर पे ओम प्रकाश राजभर का जो कनेक्शन है, बूथ मैनेजमेंट है, या
ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो बूथ लेवल तक जो है वोट ला के दिलवाएँ। हाँ, भाषण अच्छी देते हैं, मीडिया में जब भी आते हैं तो भाषण अच्छी देते हैं ओम प्रकाश राजभर, लोगों को अच्छा लगता है। अब देखता है वोट कितना कन्वर्ट होता है। खैर, आचार संहिता लागू हो गई है और 15 जनवरी तक कोई भी रैली या सभा करने से रोक लगाया है निर्वाचन आयोग ने। तो सोशल मीडिया के जरिए प्रचार तमाम लोग करेंगे। सोशल मीडिया पता है आपको कि किसका सबसे आगे है सोशल मीडिया में। यही चीज़ बात है, सत्ताधारी दल जो है सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा आगे है। अब देखना है कि किस तरह से रणनीति बाकी दल बनाते हैं और क्या उनका मोटो रहता है। एक अखिलेश यादव लड़ाई में आ सकते थे, कड़ी टक्कर दे सकते थे बीजेपी को, लेकिन वो मुद्दे से भटक गए। जैसे तेजस्वी ने बिहार में मुद्दा बनाया था बेरोजगारी का कि पहली मीटिंग में हम 10 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में। इस तरह की बात अखिलेश नहीं कर पाए, वो डिफेंसिव मोड में ही खेलते रहे। बीजेपी अटैक करती थी, वो डिफेंस करते रहे। ये पूरे कैंपेन में हम लोग यही देखें। खैर, हम आगे आपको अवगत कराते रहेंगे जमीनी हकीकत से क्या है, जनता करूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए अवध केसरी टीवी। धन्यवाद।